सो ये थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स, सो यू लर्न अबाउट सोशल जस्टिस कमेटी क्या है। ओके, द सोशल जस्टिस कमेटी वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल पे काम करती है। द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर चूजन फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। आप जिला पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स चुने जाते हैं उनमें से ये मेंबर्स को जिम्मेदारी दी जाती है। द प्रेजिडेंट ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इज मेंबर। इसके जो प्रेजिडेंट होते हैं सोशल जस्टिस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर में से चुना जाते हैं। इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये जितने भी इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वीकर सेक्शंस क्या सकते हैं जो सामाजिक पिछड़े जातियों के ओके ऑफ द सोसाइटी समाज के और डिस्कस एंड रिसॉल्व बाय दिस कमिटी। ये कमिटी रिसॉल्व करती है इनके सारे प्रॉब्लम्स को, मुश्किल को हल करती है। तो यहाँ देखते हैं मेंबर्स ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी, आप देख सकते हैं तस्वीर में। द मेंबर्स सेलेक्ट वन ऑफ देम एज अ चेयरमैन। ये मेंबर्स को एक चेयरमैन बनाया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, मेंबर्स ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी है, नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी है। तो मेंबर्स ऑफ द सोशल जस्टिस आर सेलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से चुना जाता है। नेक्स्ट लोक अदालत क्या है यहाँ पे देखते हैं। Once there was a conflict between two villagers or both of them being rigid about their viewpoints could not resolve the disputes and approach the court. कभी कभी हम देखते हैं कभी गांव के अंदर में दोनों के बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है ज़मीन को लेके, जो भी प्रॉब्लम्स को लेके गांव में, एंड टोल्ड देम टू रिट्रैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बोथ ऑफ देम बीइंग रिजिड, कभी कभी दोनों मानते नहीं, जिद्दी होते, कोई हल नहीं होता प्रॉब्लम। सो अबाउट देयर व्यू पॉइंट्स could not resolve the dispute and approach the, वो लोग क्या करते हैं कोर्ट को अप्रोच करते हैं, कोर्ट को दरवाजा को कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं। When the सरपंच came to know about the conflict, जब सरपंच को ये झगड़े के बारे में मालूम होता है, so he advised them to go to the लोक अदालत। वो उन्होंने सलाह देता है आप लोक अदालत में जाओ टू सॉल्व द मैटर, जो भी मैटर उसको सॉल्व करने के लिए। द सरपंच इन्फॉर्म देम अबाउट द लोक अदालत एंड टोल्ड देम दैट रिटायर्ड जजेज। यहाँ पे क्या होता है लोक अदालत में ऐसी संस्था है, उनके पैसे भी बच जाते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी हल हो जाता है। यहाँ पे जो लोक अदालत में जो जिम्मेदार शख्स होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड जजेस होते हैं कोर्ट्स के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्ट्स, और लोकल डिग्निटरीज, लोकल के जो बड़े बड़े डिग्निटरीज जैसे लॉयर्स होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत के कामकाज में लोग इनका योगदान होता है। द लोक अदालत प्रोवाइड फ्री एंड स्पीडी जस्टिस, लोग फ्री और स्पीडी जस्टिस यहाँ इनको मिल सकता है ऐसे अगर वहाँ अप्रोच करने से। ऑन द एडवाइस ऑफ द सरपंच के सलाह पे द मैटर वॉज ब्रॉट टू द लोक अदालत, जो भी जो विषय है वो यहाँ पे लाया जाता है, एंड बोथ द पार्टीज गॉट जस्टिस टू देयर सेटिस्फैक्शन। वो लोग उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सारा हल ये लोग अपने गाइडेंस में करके वो लोग को मुतमइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं द लोक अदालत हैव बीन एस्टाब्लिश टू इम्पार्ट जस्टिस टू पुअर पीपल हु बिलोंग टू द सोशली बैकवर्ड क्लासेज। जो ऐसे लोग होते समाज में उनके जो सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज होते वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, फी पे नहीं कर सकते, लॉयर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो है लोक अदालत में लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड पीपल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 50,000, जिसका सालाना 50,000 से कम इनकम होता है, तो ये लोग इस तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं लोक अदालत से। वेन एवर देर इज ए डिस्प्यूट अमॉन्ग एज लोकल पीपल, जब भी लोकल मुकामी लोगों में डिस्प्यूट झगड़े फसाद होते हैं दे अप्रोच द लोक अदालत फॉर फ्री एंड स्पीडी जस्टिस को पाने के लिए लोग लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। दिस ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, इससे क्या होता है कोर्ट पे जो बर्डन होता है बहुत सारा वो कम होता है और कोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ तस्वीर में आप एक रूरल है, तो रूरल जो देहाती एरिया वहाँ पे क्या होता है पहले जिला पंचायत, उसके अंडर में तालुका पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, और अर्बन में देखते हैं शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और टाउन्स में छोटे शहरों में म्यूनसिपालिटी होती है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट, तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, गो थरोली, लिसन प्रॉपरली एंड रीड वेल। थैंक यू।